हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आई एम आशुतोष विद द न्यू टॉपिक। हम लोग क्लास इलेवेंथ में मैथमेटिकल टूल्स में कैलकुलस स्टार्ट किए थे। पिछले क्लास में हम कांस्टेंट के बारे में सीख गए थे। दो तरह का कांस्टेंट था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट। आज हम लोग वेरिएबल के बारे में देखेंगे। पहले से आप जान रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है वेरिएबल जिसका वैल्यू बार बार बदलता हो। इस वेरिएबल को हम दो कैटेगोरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही लग रहा है ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। इट कैन टेक एनी वैल्यू, मीन्स एनी वैल्यू कैन बी असाइन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स ये डिपेंड कर रहा है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, बल्कि इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर करेगा। इस वैल्यू पे इसका वैल्यू निर्भर करेगा। कैसे, हम अपने पहले ही एग्जाम्पल को लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x+3, हमने एक इक्वेशन लिखा। यहाँ y का वैल्यू और x का वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए, x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं। x 1 डाले तो y 5 आ गया, 1 यहाँ डालेंगे तो 2 × 1+3 तो 5 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 डालेंगे तो ये 11 हो जाएगा। यहाँ अगर हम tan थीटा डाल दें तो 2 tan θ+3 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, जो मनाए डाल दें। मान लीजिए हम पाई डाल देते हैं तो 2π+3 हो जाएगा। लेकिन y का वैल्यू कुछ भी नहीं मिल सकता है, ये तभी मिलेगा जब आप x को पहले डाल दें, x को पहले फिक्स कर दें। इज इट और नॉट, ठीक है। तो x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, एनी वैल्यू कैन बी असाइंड, एनी वैल्यू कैन बी असाइंड। इसलिए x का नाम हम लोग देंगे कि x जो मेरा है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्वतंत्र है, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। वैल्यू दोनों का ही बदल रहा है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, y भी बदल रहा है, x भी बदल रहा है, लेकिन दोनों में एक रिलेशन है। x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन y का वैल्यू जब हम x डाल देंगे तब हमको मिलेगा। ओके, तो नाउ y को हम कह सकते हैं कि y जो है उसका वैल्यू डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, दैट्स व्हाई y विल बी कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो आप दोनों वेरिएबल समझ गए, इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x, y का वैल्यू x पे निर्भर करता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आपको मिले जब एक का वैल्यू दूसरे पे निर्भर करता हो, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, एक दूसरे का फंक्शन है। यहाँ y का वैल्यू x पे निर्भर करता है, इसलिए y इज ए फंक्शन ऑफ y, x का फंक्शन है। ओके, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मीनिंग ही हो गया कि द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x। ये तो लैंग्वेज हो गया। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म कैसे देंगे, तो मैथमेटिक्स में इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये जो y है वो मेरा x का फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x, एंड हाउ इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स बाय द रिलेशन 2x+3। अभी हम 2x+3 एग्जाम्पल लेके सीख रहे हैं। तो ये तीनों एक ही लाइन है, एक ही मीनिंग दे रहा है। y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x, एंड हाउ इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स बाय द रिलेशन 2x+3। ठीक है, तो ये फंक्शन का कंसेप्ट हो गया कि जैसे ही एक चीज दूसरे पे निर्भर करेगा तो एक चीज को हम दूसरे का फंक्शन कहेंगे। ओके, अब ये जो फंक्शन है
ये आपको हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स की देन है, ठीक है। फंक्शन का रिलेशन आप हर जगह देखेंगे। अब देखिए हम कुछ आपको एग्जांपल्स देके बताते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में अभी आप देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं तो y का वैल्यू x पे निर्भर करता है। ये मैथ्स का एग्जांपल हो गया, आपने अभी इसका ग्राफ भी बना के देखा है। अब फिजिक्स का हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, मोशन में है, उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, एक घंटे में वो 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, यही मीनिंग है। तो अब अगर पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड इन वन आवर, एक घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो हम नेचुरल है 40 किलोमीटर पर आवर तो 40 किलोमीटर कहेंगे। अगर दो घंटे में पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड इन टू आवर, दो घंटे में कितना होगा, तो 40 में हम 2 से गुना करेंगे, अब ये मेरा 80 किलोमीटर हो जाएगा। अगर पूछा जाए तीन घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो इट इज 40 में 3 से गुना करेंगे तो इट इज नाउ 120 किलोमीटर, ओके। सिमिलरली जैसे एक दो तीन घंटे में हम निकाले, तो अगर हम टी घंटे में पूछें कि टी घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो 40 में टी से गुना कर लेंगे, ओके। तो डिस्टेंस कवर्ड इन टी आवर दैट इज 40 टी। तो अब देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एस इज इक्वल टू एफ टी, ये टाइम का फंक्शन है, टाइम बदल जा रहा है, वन आवर टू आवर थ्री आवर, तो डिस्टेंस भी बदल जा रहा है 40 80 120। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंड्स अपॉन टाइम, एंड हाउ इट डिपेंड, तो इट डिपेंड्स बाय द रिलेशन 40 टी, ये 40 टी के रिलेशन से डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का एग्जाम्पल हो गया जहां आप फंक्शन देख रहे हैं। अब बायो में देखिए, बायो में आप जानते हैं जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी प्लांट्स है वो और एनिमल्स है, वो सब अल्टीमेटली सनलाइट पे डिपेंडेंट है। सनलाइट पे कैसे डिपेंडेंट है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो कोई भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं होगी, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और जब प्लांट्स नहीं होगा तो फिर जो एनिमल उस पे डिपेंडेंट है उनका भी लाइफ फेल हो जाएगा। इट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ सनलाइट, सोलर एनर्जी, ओके। तो ये बायो से रिलेशन देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सब है सो सनलाइट का फंक्शन है, सब सनलाइट पे डिपेंडेंट है। आप डे टू डे लाइफ में देखिए फंक्शन, डे टू डे लाइफ में किसी भी फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स मंथली इनकम, इज इट और नॉट, किसी भी परिवार के रहने सहने का जो स्तर है दैट डिपेंड अपॉन इट्स मंथली इनकम, उस घर में कितनी आमदनी है मंथली उसी पे डिपेंडेंट है, इज इट और नॉट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड इज ए फंक्शन ऑफ मंथली इनकम। अब मेरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरे आशुतोष सर का जो इनकम है वो इनकम किस चीज पे डिपेंडेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं या सीखते हैं उस पे ही डिपेंडेंट है, ये ज्यादा होगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ओके। इट मीन्स फंक्शन इज एवरीवेयर, ये मत सोचें कि फंक्शन सिर्फ मैथ्स की देन है, ये हर जगह है, ठीक है। अब चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने क्या लिखा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x पे डिपेंडेंट है, एंड हाउ इट डिपेंड्स बाय द रिलेशन 2x प्लस 3, ओके। अब क्वेश्चन है कि y का वैल्यू x पे निर्भर करता है, x को बदलेंगे तो y भी बदल जाएगा, तो x के किसी खास वैल्यू पे हम y का वैल्यू कैसे निकालें, तो सो सिंपल इट इज, x का जिस वैल्यू पे निकालना है, मान लीजिए x 5 है तब हम निकालना चाहते हैं, तो सिंपली यू हैव टू पुट 5 इन द एक्सप्रेशन, यहां 5 आपको डाल देना है और सॉल्व कर लेना है,
तो 2 इंटू 5 10 और 10 प्लस 3 30, तो y का वैल्यू 13 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 9 है, तब आप फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ 9 डाल दीजिए, तो 9 इंटू 2 18 और प्लस 3 तो 21, तो y का वैल्यू 21 आ गया। तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, f ब्रैकेट में 5 लिखेंगे, ये 5 fx जिस तरह से था, तो 5 x के जगह 5 है तो यहाँ 5 डाले हैं और जो रिजल्ट आया है वो 13 है। ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन का वैल्यू, और ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। f5 इज इक्वल टू 13, मतलब जब x का वैल्यू हम 5 लेंगे तो y 13 आ जाएगा। f9 इज इक्वल टू 21 हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक रूल बन गया, रूल क्या बन गया कि अगर फंक्शन का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं x के किसी खास वैल्यू पे तो हमें क्या करना होगा, तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है, x के किसी खास वैल्यू पे हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन ऑफ y, हमें x का वैल्यू पुट करना होगा y के एक्सप्रेशन में और सॉल्व कर देना होगा, ओके और उसे सॉल्व कर देना है, यही आपका रूल बन गया। x का वैल्यू डालिए एक्सप्रेशन में और सॉल्व कर दीजिए तो आपको फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म को, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, तो चलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2, एक हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं एक फंक्शन का, y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x, एंड हाउ इट डिपेंड्स, तो इट डिपेंड्स बाय द रिलेशन दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2, ये मीनिंग आ गया इसका। अब हम फंक्शन का वैल्यू चाहते हैं x के अलग अलग वैल्यू पे, तो आप रूल सीखे हैं x का वो वैल्यू डालना है एक्सप्रेशन में और सॉल्व कर देना है, तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। मान लीजिए एफ वन हम चाहते हैं, मतलब x जब 1 होगा तो y कितना होगा, तो 1 डालिए इसके एक्सप्रेशन में सॉल्व कीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 एंड 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 4 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 बाई 1 माइनस 2, तो ये माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1, तो आ गया 3। तो f1 पे वैल्यू आ गया 3, इसका मतलब कि x जब 1 था तो y का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, तो 1 पे निकाल लिए। अब आप इसको 3 पे निकालिए, हम f3 चाहते हैं तो x के जगह 3 डालना होगा, 3 डालिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, 3 का स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5 एंड 3 माइनस 2 1, तो 5 बाई 1 तो आ गया 5। तब आप निकाल लिए y का वैल्यू 5 आ रहा है, कब, जब x का वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, तो देखिए 1 पे निकाल लिए 3 पे निकाल लिए। अब हम इसे 2 पे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, y का वैल्यू निकाले जब x का वैल्यू 2 हो तब, तब देखिए अब क्या समस्या आने जा रही है। अब 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ऊपर आ जाएगा, और नीचे डालेंगे तो 2 माइनस 2 नीचे आ गया, तो 4 माइनस 4 0 एंड 2 माइनस 2 इज 0, नाउ इट इज 0 बाई 0, ओके। तो देखिए 1 पे आपने निकाल लिया आ गया 3, 3 पे निकाले तो आ गया 5, लेकिन 2 पे निकाले तो आ गया 0 बाई 0। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि 0 बाई 0 इज व्हाट, ये 0 बाई 0 क्या होगा। अब आगे आप क्या लिखेंगे, आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस है, 0 बटा 0 क्या ये 1 के बराबर है, 0 बटा 0 क्या 0 होगा, 0 बटा 0 क्या इन्फिनिटी होगा, या 0 बटा 0 नॉट डिफाइंड, नहीं डिफाइंड ही नहीं है, इस चारों ऑप्शन में आप किसे टिक लगाएंगे, ठीक है।
चलिए इसमें अलग अलग आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन 0/0 को 1 क्यों ना लिया जाए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि why not 0/0 is equal to 1। अब देखिए आपके पास 10 डिजिट्स है, 0 से लेके 9 तक आपके पास सिर्फ 10 डिजिट्स है, और इसी 10 डिजिट्स का आपका सारा मैथमेटिक्स है, सारा काम आप इसी 10 डिजिट से करते हैं। और इन 10 डिजिट्स में आपने नियम बनाया है किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग दीजिए, 9 में 9 से भाग दीजिए, 8 में 8 से भाग दीजिए, 7 में 7 से भाग दीजिए, उसी तरह 1 से 1 में 1 से भाग दीजिए। ये जो यहाँ से 1 to 9 सारा डिजिट्स है, इसमें अगर उसी संख्या से भाग देते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 1। यू नो दैट किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने से रिजल्ट 1 आता है। तो वाई नॉट 0/0 इज इक्वल टू 1, तो 0/0 1 क्यों नहीं होगा। आपके पास 10 ही डिजिट है, आप 9 डिजिट्स के लिए एक नियम बनाते हैं, तो वो नियम 10वें डिजिट पे क्यों नहीं, 0 पे वो क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, 9 डिजिट्स के लिए आपका नियम है किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, तो 10वें में भी लागू होना चाहिए, तो 0/0 भी 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 0/0 1 अगर होता है तो आपके पास क्या समस्या आ जाती है। अब इसे प्रूव करके देखें, मान लीजिए 2 into 0 ये 0 होगा, इसको इक्वेशन 1 बना लिए, फिर 3 into 0 ये भी 0 होगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लिए। अब हम दोनों ही इक्वेशन को देखें 1 and 2 को, तो क्या होगा, 2 into दोनों का RHS इक्वल है 0 0, तो LHS भी इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 into 0 दैट इज इक्वल टू 3 into 0 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम 0 से डिवाइड कर दें, तो 2 into 0/0 एंड दैट इज इक्वल टू 3 into 0/0 यहाँ तक लिख लिए। अब अगर हम 0/0 को 1 मान लें, 0/0 भी 1 होता है, जैसे बाकी 9 डिजिट्स में है वैसे 0/0 भी 1 है, तो 0/0 अगर 1 होगा तो 2 into 1 विल बी इक्वल टू 3 into 1, तो नाउ इट विल बी 2 is equal to 3। अब देखिए अब सारा मैथमेटिक्स यहाँ पे फेल होने लगा, अब आप किसी भी संख्या को किसी भी दूसरे संख्या के बराबर आप सिद्ध कर सकते हैं। ओके, तो पूरा मैथमेटिक्स आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका मतलब कि 0/0 को हमको 1 नहीं लेना है, 0/0 को 1 लेने से समस्या बढ़ती चली जा रही है, तो 10/0 1 नहीं होगा, तो क्या होगा। तो एक्चुअली डिवीजन बाय 0/0 मीन्स व्हाट, 0 से भाग देना, 0 से जो भाग देना है दैट इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स येट, अभी तक मैथ्स ने इसका डिफिनीशन ही नहीं बनाया है, इसका प्रोसेस ही नहीं बनाया है। 0 से भाग देने की छूट आपको नहीं है, ये रिसर्च का विषय है, आप चाहें तो इस पे रिसर्च कर सकते हैं, व्हाई नॉट। ओके, तो 0 से भाग देना अभी तक डिफाइंड नहीं है, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है उसको हम लोग टिक करेंगे, 0/0 इज व्हाट, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, अभी तक मैथ ने इसका डिफिनीशन नहीं निकाला है। ठीक है, तो इसी का नाम हम लोग देते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वैसा फॉर्म जिसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सके, कुछ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं डिटरमाइन किया जा सके, इसलिए डिटरमाइन नहीं किया जा सके कि मैथमेटिक्स में अभी तक उसका कोई भी प्रोसेस डिफाइंड नहीं किया गया है, कोई भी विधि नहीं बताई गई है, इसलिए उसका नाम हम लोग दे रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो बहुत सारा फॉर्म इनडिटर्मिनेट है, जैसे 0/0 इनडिटर्मिनेट है, ∞/∞ इनडिटर्मिनेट है, ∞^0 ∞^∞, इस तरह से बहुत सारा आपको फॉर्म मिलेगा जो इनडिटर्मिनेट है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्वेश्चन उठता है कि
कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू, इस फंक्शन का वैल्यू आपने वन पे निकाल लिया, थ्री पे निकाल लिया, लेकिन जब आप दो पे निकालने की कोशिश किए तो आ गया जीरो बाई जीरो, एक ऐसा फॉर्म आ गया जिसके आगे अब आपकी कलम रुक गई। अब आप सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। ठीक है, उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये दो पे डिफाइंड नहीं है, दो पे हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दो पे एक ऐसा फॉर्म आ जाता है जिस फॉर्म का वैल्यू निकाला ही नहीं जा सकता है। अभी तक मैथ ने उसका वैल्यू निकालने के लिए कोई प्रोसेस इजाद ही नहीं किया है। ओके, तो यू विल से दैट द फंक्शन इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू टू। ये दो पे फंक्शन मेरा खत्म हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम यहीं पे लिमिट का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कंसेप्ट क्या है? लिमिट का है कि ये फंक्शन दो पे अनडिफाइंड हो रहा है, हम दो पे इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम दो के बिल्कुल नजदीक हों, वेन एक्स टेंस टू टू, यहां पे देखिए एरो साइन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू टू नहीं है, एक्स एक एरो है फिर टू है, इसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स टेंस टू टू। ठीक है, तो एक्स टेंस टू टू मीन्स एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स टू, एक्स का वैल्यू दो के बिल्कुल नजदीक है, या तो दो के नजदीक 2.1 ले या 1.9 ले, 2.01 ले या 1.99 ले, तो ये सारा वैल्यू दो के बिल्कुल नजदीक है। तो अब क्वेश्चन उठेगा कि हम दो पे वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं इस फंक्शन का, तो क्या हम इस फंक्शन का वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं जब एक्स का वैल्यू दो के बिल्कुल अप्रोचिंग हो, बिल्कुल नजदीक हो, तब इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट विच वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, तो आप जुड़े रहे हमसे, और धीरे धीरे हम आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स भी देने जा रहे हैं। हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आपको कुछ लिस्ट देंगे और कुछ हम बना के भी आपको दिखाएंगे, सिखलाएंगे। ओके, और कुछ आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।